और हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये भी एक हॉरर वीडियो है, आपको अभी लग नहीं रहा होगा, अभी मैं आपको बैकग्राउंड टीन दे दूंगी, उसके बाद लगेगा। चलो मैं आपको बताती हूँ, बता रही है कि ये पीछे से लगाई, वैसे कोई हॉरर इसमें कुछ भी नहीं है, शट अप। तो गाइस, प्राची सुनाने वाली है आपको एक भूत वाली स्टोरी। तो गाइस चलो इसको तो छोड़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ, वैसे सच में एक रियल स्टोरी है, मुझे किसी ने शेयर की थी मेरे साथ, मतलब मेरे साथ किसी ने वाली हिंदी भी गंदी है भाई, छी आशरा वाली शेयर कर दे, मतलब मेरे साथ किसी ने ये स्टोरी शेयर की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालती हूँ, बताती हूँ उन लोगों को भी इसके बारे में, तो जिन्हें इंटरेस्ट ना हो सुनने में यूट्यूब चैनल, वो यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकता है, आप भी जा सकते हो, उठो यहाँ से, उठो यहाँ से। हे गाइस, तो फाइनली हम ये स्ट्रिक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फन कर लिया हमने, पागल पत्ती कर ली। तो मैं आपको बताती हूँ, ये स्टोरी है 2 साल पहले की, और जो जिसने मुझे ये बताया, मेरी एक फ्रेंड ने शेयर किया, तो उसने बोला कि मुझे नाम नहीं बताना उसका, मतलब कि वीडियो में, और ना हम उस लड़की का नाम रखते हैं हर्षिता, और जो इसमें एक मैम का भी रोल है, उस मैम का नाम रखेंगे हम लोग रिया। और वो स्टोरी कौन सी है? हॉन्टेड स्कूल के ऊपर है एक। मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टोरी मतलब कि 2 साल पुरानी है, तो सोच सकते हो मतलब जब मैं कौन सी क्लास में थी, 7th 8th में होंगी शायद। हाँ, तो मेरी जो एक फ्रेंड है, उसके स्कूल में ना एक न्यू टीचर आई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर, और जैसे ही वाई स्कूल में, तो मतलब इतनी सुंदर, इतनी मतलब बाल बाल फिकेर के आई थी, मतलब कि खुले वगैरह करके, और मतलब परफ्यूम वगैरह लगा के बहुत ज़्यादा अच्छे से आई थी वो, तो सारे जो लड़के, ओह माय गॉड टीचर इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, और सारी लड़के, वाओ यार मैडम का ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है, ये वो सब, मतलब सारे टीचर्स तक उनसे इंप्रेस किया, और क्या मतलब ड्रेसिंग सेंस वगैरह कितना बढ़िया है उन टीचर का। तो ऐसे मतलब कि वो टीचर आई, तो ना फिर उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए मेरी फ्रेंड के, तो फिर वो मतलब कि सब लोग प्रेयर कर रहे थे कि यार काश एग्ज़ाम में वो मैम आ जाए, रिया मैम आ जाए, तो सब लोग बोल रहे कि रिया मैम आ जाए, मतलब प्रेयर, सभी बच्चे प्रेयर कर रहे थे कि रिया मैम आ जाए, क्योंकि वो मतलब चीटिंग वगैरह करने देती होंगी, ऑब्वियसली सी बात है, इसलिए उन्होंने प्रे करा, और वो मैम सच में आ गई इस क्लास में। तो फिर मैम आई, मैम ने लगा कि बच्चे जिस तरह खुश हो रहे हैं, तो मुझे उनको चीटिंग करने ही देनी चाहिए, तो उन्होंने चीटिंग करने दी मतलब कि बच्चों को। फिर उसके बाद ना वो चीटिंग कर रही थी, मतलब सब बच्चे अपना अपना एग्जाम कर रहे थे, नकल वकल मार के, तो एकदम से मैम गिर गई जमीन पे धम, वो मतलब मैडम गिर गई, और बहुत ज़्यादा मतलब धम सी आवाज़ आई थी कि मतलब बिल्कुल मैम होश में ही ना हो, बिल्कुल धम, तो बच्चे बहुत ज़्यादा वो डर गए। फिर उसने उन बच्चों ने साइड वाली क्लासेस में से टीचर्स को बुलाया, और क्या कहते हैं, फिर मैडम आई, प्रिंसिपल आई, सब आए, सब लोगों ने बोला कि क्या हो गया, तो फिर पता चलता कि वो मैडम को पानी डाला मुँह पे, पानी पिलाया, वो उठी नहीं मैम, मतलब बच्चों ने बहुत ट्राई किया, बच्चों ने, टीचर्स ने, सब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उठ जाए, बट वो उठी नहीं। फिर उन टीचर्स को ले जाया गया दूसरे मेडिकल रूम में, और उधर किसी और टीचर को भेज दिया, एग्जाम चल रहा था बच्चों का, तो फिर वैसे छोड़ नहीं सकता था, किसी और टीचर को भेज दिया, और मेडिकल रूम में मैम की मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों ने केयर वगैरह करे थे, सारे तरफ टीचर थी, लेकिन फिर उसके बाद पता क्या होता है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आने लग जाती है, हर्षिता ने मुझे ऐसा बताया, तो वही मैं आप लोगों को बताती हूँ, वहाँ से बहुत मतलब ऐसी अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती है, मतलब जैसे कि मतलब जैसे चुड़ैल भूत टाइप की आती है, वैसी आवाज़ें आने लग जाती है, तो वो क्या कि भूत जाग रहा है, तो ऐसी आवाज़ें आने लग जाती है गाइस। तो फिर ना मतलब बच्चे सोचते हैं कि हमें ना वॉशरूम का खाना करके मैम को देख के आना चाहिए, मतलब बच्चों को कुछ ज़्यादा लगा, अब तक की गोरी थी, मतलब सुंदर सी टीचर आ गई, तो हाँ यार सही में, और फिर मतलब सुंदर सी टीचर आ गई, तो लगा होगा कि और टीचर को इम्प्रेस करना है वैसे वैसे, तो सोचते कि चलो देख के आते हैं वॉशरूम के बहाने कि मैम क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ है। तो फिर एक दो बच्चे जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बार में हर्षिता भी जाती है, और हर्षिता बताती है वहाँ से आके, मतलब कि हर्षिता जब वहाँ गई, तो उसने क्या देखा कि मैम बहुत ज़्यादा तेज के चिल्ला रही, और सब सारे टीचरों ने इधर उधर से हाथ पैर उनके पकड़ रखे हैं बहुत ज़्यादा, और वो चीख रही है बहुत गंदी तरीके से। उस टाइम तो हर्षिता को कुछ समझ नहीं आया था कि ऐसा भी कुछ भूत वगैरह है उसके अंदर, है हो सकता है कुछ है, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया उस टाइम पर। तो वो फिर उसके कुछ टाइम बाद तक वो टीचर आना बंद हो गई, जो रिया मैडम थी वो स्कूल नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद तो बच्चे सोच रहे थे कि मैडम स्कूल क्यों नहीं आ रही है, तो मैम ने पूछा भी था एक तो मैडम से कि मैम स्कूल क्यों नहीं आ रही है, बोली मैम ये वो, तो मैडम ने बस ये बोलती थी बच्चों कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैम को वो जब ठीक हो जाएंगी वो खुद आ जाएंगी। फिर अगले दिन बच्चे मतलब जब एग्ज़ाम देने आए, तो सुबह सुबह जब पढ़ाई करते हैं, तो बच्चे वो पढ़ाई छोड़ के मैडम की बात कर रहे थे कि मैडम को क्या हुआ है यार, मैडम क्यों नहीं आ रही, मैडम को ये, मैडम को वो, तो सब लोग मतलब कुछ ज़्यादा ही मैम की बातें वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, मैडम आनंद द्वारा शुरू हो जाती है, दोबारा से हवा चलने लगती है, लड़कों के दिल में घंटियां बजने लगती है, ये होने लगता है दोबारा से। तो फिर तेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है
तो मैडम मतलब कि फिर वो लोग मतलब मैम दोबारा आना शुरू हो जाती है और मैम कहती है कि नहीं बच्चों कुछ नहीं, मेरी हल्की फुल्की तबीयत खराब हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। मैम ने ये बच्चों से झूठ कहा था कि मेरी तबीयत बस हल्की फुल्की खराब थी, ऐसा कुछ नहीं था। और वो अभी आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा, इसलिए पूरी एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा मतलब इसमें कुछ ज्यादा वो आ जाएगा, मिर्च मसाला आ जाएगा, तो वो देखना मिर्च मसाला, ठीक है ना। तो फिर मैडम आना दोबारा शुरू हो जाती है, फिर उनके स्कूल में होता है एनुअल फंक्शन, और वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एनुअल फंक्शन, तो हर स्कूल के लिए होता है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, तो वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, सारे टीचर अच्छे अच्छे से रेडी होकर आती हैं। और जब मैडम स्टेज पर आती है तो सारा तरफ सन्नाटा हो जाता है, जब रिया मैडम स्टेज पर आती है तो सारी तरफ सन्नाटा हो जाता है और सब सिर्फ रिया मैडम को देखते रहते हैं। मैं तो लड़की मैं क्यों हो रही हूँ, सुनने वाली सारा ब्लूपर ही बन जाता है। चलो कोई नहीं, ये ब्लूपर हो गया था, सर मैंने कट कर दिया, दोबारा सुनो। तो मतलब एनुअल फंक्शन सब अच्छे से हो जाता है और मतलब सारी टीचरें बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती हैं। तो जब एनुअल फंक्शन सब अच्छे से हो जाता है, अगले दिन असेंबली में जब मैम स्पीच दे रही होती है तो सब बच्चे क्या नोटिस करते हैं कि मैडम नहीं आई है, वो वाली रिया मैडम। तो बच्चे मतलब भाई जो टीचर ज़्यादा मतलब खुश रखती है बच्चों, वो बच्चे तो पहले उसे ढूंढते हैं सुबह आई है कि नहीं आई है, मैम आई है कि नहीं आई है। तो वही बच्चों ने देखा तो वो मैडम नहीं आई थी, तो सब बच्चे बोले आज फिर मैम नहीं आई, ऐसा क्या हो गया। तो फिर वो प्रिंसिपल मैम फिर अनाउंसमेंट करके बताती है कि बच्चों कल जब रिया मैम रीवा निकल रहा है, नाटक इतना देखती है, ऐसा कि रीवा निकल रहा है, देखती है। तो रिया मैम कहती है कि रिया मैम कहाँ से आ गई, चुप हो जाकर। प्रिंसिपल मैम कहती है गवार है, प्रिंसिपल मैम कहती है कि ना रिया मैम जब यहाँ से कल जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, कि मतलब वो हॉस्पिटल में चली जाती हैं। तो सब मैम बोलते हैं कि अब उनके लिए सब प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ये वो मतलब जैसे दो मिनट बस करवाते हैं। मुझे भी यही लग रहा था, मैंने जो कहती है। फिर हर्षिता ने बताया कि मैम ने हमसे कहा कि ऐसे ऐसे प्रे करो, तो सब बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार मैडम को ऐसे कैसे, मतलब सबके जो मतलब सब जो खुश थे सबके मुंह पे आ जाता है सदमा कि हैं मैम के साथ ऐसे कैसे हो गया इस टाइम का, कितनी गंदी है, चुप हो जा। तो मैम तो फिर ऐसे वो लोग सोचने लगते हैं कि मैडम को ऐसा ऐसा क्या हो गया। तो सारे स्कूल और टीचर्स मिल के जाते हैं मैम को देखने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है स्कूल है कौन सा, नाम तो मैं बता नहीं सकती, बट बहुत अजीब स्कूल है। तो हाँ गाइज मैं आपको बताती हूँ, वो स्कूल इतना अजीब सा है, अभी भी कैमरा चल रहा है क्या, नहीं नहीं। तो गाइज वो मतलब स्कूल इतना अजीब सा है कि टीचर सारे प्रिंसिपल मिलके वो उठा के चल दे हॉस्पिटल, ऐसे तो मैंने किया मतलब, लेकिन अगर सारी टीचर अपने अपने पर्सनल जाती ना, मतलब अगर जाना तो घर से क्या हो गया, तो सारे टीचर चले गए साथ में, ठीक है। और पूरा बच्चे जो स्कूल वगैरह मतलब बच्चे वगैरह थे तो उनको बोल दिया गया कि मतलब कि शांत रहना, बिल्कुल मतलब शोर वगैरह मत करना, जो हर टीचर बच्चे को बोल के जाता है कि टीचर्स आ जाएंगे तो ये पढ़ाई का स्टार्ट करा देंगे, अभी हम जब सब जा रहे हैं उनको देखने। हाँ तो गाइस मैं क्या बता रही थी कि सारी टीचर्स और बच्चे गुस्सा आ गया, इतनी देर से बैठी हो लेकिन वीडियो रुकी जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, वो नींद आ गई बहुत। तो सारे टीचर्स वगैरह उन्हें देखने जाती हैं और बच्चों को मतलब कि जो वहाँ पे अंकल आंटीज होते हैं जो स्कूल की साफ सफाई करते हैं उनको बोल देते हैं कि आप भी देखते रहना, बाकी बच्चे शांत रहेंगे। तो वो सारे जाते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, दिन छोड़ के स्कूल का टाइम ही मिला है मैम को देखने के लिए, ऐसा लग रहा है स्क्रिप्टेड है वीडियो, सॉरी ये स्टोरी पता नहीं मुझे, तो उसने बताई थी ना, क्या पता हो कोई ऐसा स्कूल यार अजीब सा। तो फिर उसने पता क्या बताया कि ना जो टीचर्स वहाँ पे गए तो उन्होंने ये देखा कि मैम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मतलब मैम कोमा में चली गई थी और अब तक वो कोमा में ही है, मतलब 2 साल हो गए उस बात को और अभी तक वो कोमा में ही है। नहीं नहीं हॉन्टेड स्कूल कैसे हुआ वो तो बता दें, 2 साल तक ठीक है ना, वो कोमा में ही है। तो बाद में एक्चुअली पता चलता है कि उनको कुछ ज़्यादा बीमारी टाइप कुछ भी नहीं था ऐसा कि मतलब जिस तरीके से वो कोमा में रहे। तो बाद में स्कूल वाली मैडम जो प्रिंसिपल है वही खुद बताती है बच्चों को, पता नहीं कैसे बताती है ये तो मैंने ध्यान नहीं है मुझे इतना, लेकिन बाद में बच्चों को क्या पता चलता है कि जो वो स्कूल है वो एक मतलब कि वहाँ पे पहले एक हवेली हुआ करती थी। ये इंटरेस्ट नहीं आ रहा इस वीडियो में, यही खत्म करते हैं गाइस इस वीडियो में, यही खत्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो महा से महा गंदी लगी हो ना, गंदे से गंदा कमेंट करना, मुझे ये स्टोरी और ये वीडियो बहुत बकवास लग रही है। मैं मुझे पता है प्रॉमिस मेरी दोस्त ने बताई है, मैंने नहीं बनाया, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है। कमेंट करना कि हाँ आप ये वीडियो बहुत ही गाइस यार ये बताओ आपके चैनल की, नहीं गाइस फिर ये बताओ मुझे इंटरेस्ट क्यों आया था गाइस, मैंने कर भूत तो नहीं गाइस ये भूत है
और हम इस वीडियो पे यहीं एंड करते हैं।